हेलो दोस्तों, तो मैं हूं दातार अकेडमी से आपका होस्ट एजाज। आज मैं एक ऐसी गाड़ी की बात करने वाला हूं जो काफ़ी आई कैचिंग है। गुजरात बेस्ड कंपनी है, गांधीनगर के अंदर इसका प्लांट मौजूद है। और गाड़ी के डायमेंशन क्या है, कैसे हैं, ईवी गाड़ी है ना, बाइक है ना स्कूटी है, दोनों का क्रॉसओवर कंबाइन मिक्स है। जिस तरह से मैं अगर मैं बात करूँ उसके टायर प्रोफाइल की, जो सबसे ज़्यादा उसका आई कैचिंग बना रहा है, टायर साइज़ है 15 इंची का। और गाड़ी के क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, अभी ये डिस्प्ले के लिए खड़ा गया है, इसमें इन फ्यूचर कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। कब तक ये आ रही है, कैसे आ रही है, किस तरह से, कौन से फ्यूचर के साथ ये मार्केट में अवेलेबल होगी और कब तक ये आएगी, ये हमें बताएंगे गाड़ी के कंपनी के डायरेक्टर विशाल धमेजा जी। तो वेलकम बैक माय चैनल। तो सर विशाल जी, क्या है इसके लिए इस गाड़ी के डायमेंशन, आप मुझे बताइए थोड़ा सा। सी व्हीकल जो है एक्टिवा से आपको थोड़ा लंबा लगेगा और डायमेंशन वाइज आपको एक्टिवा से थोड़ा चौड़ा मिलेगा। इसका मेन रीज़न ये है कि इसका जहाँ पे बिजनेस के लिए व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें हमें ज़्यादा जगह चाहिए, तो हमने व्हीकल को पूरा इस तरह से डिज़ाइन किया कि आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिलता है। अच्छा, इसमें बैटरी कौन सी यूज़ की गई है? बैटरी इस पर हमने लिथियम फेरोफॉस्फेट यूज़ की है। ये बैटरी का मेन एडवांटेज ये है कि इस बैटरी में आग लगने के चांसेस नहीं रहते। सबसे ज़्यादा जो लोग डरे हुए हैं वो बैटरी के आग लगने के से डरे हुए हैं। इसके अलावा हमने जो बैटरी बनाया वो IP67 सर्टिफाइड है, मतलब कि कम्प्लीटली वाटरप्रूफ बैटरी है। इसके अलावा स्मार्ट BMS है बैटरी में, जिससे वो बैटरी का सारा डेटा मोबाइल की स्क्रीन पे मिलता है, मतलब कि बैटरी का टेम्परेचर, बैटरी का हेल्थ या बैटरी का कितने परसेंटेज बचे हुए बैटरी, वो सब चीज़ें मोबाइल रखती है। सबसे पहला सवाल आता है ये किस मकसद से यूज़ होगी मार्केट के अंदर? जैसे कि मैंने बताया कि सब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है कि बिजनेस ओनर जो खुद के बिजनेस के लिए सामान कैरी करने के लिए चला रहे हो। उसके अलावा कुछ लोगों को कुछ अलग चाहिए, मतलब कि अगर हम व्हीकल इंडस्ट्री देखते हैं तो मोस्टली सब व्हीकल्स आपको एक जैसे दिखते हैं, कुछ ज़्यादा आपको चेंज नहीं देखने को मिलता डिज़ाइन के बेस में। तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग जनरेशन है, जिसको कुछ अलग चाहिए। जिस तरह से ये मतलब इसका डिज़ाइन बोल रहा है वो कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ज़्यादा ये कामयाब होगी, और या फिर डिलीवरी बॉय जैसे जोमेटो वगैरह XYZ। आपने अभी बताया मुझे इसमें टूरिस्ट पर्पज़ के भी ये यूज़ होगी, जैसे गोवा वगैरह आप कुछ एक प्रैक्टिकली घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए भी यूज़ होगी। तो इसका अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन जाएगा तो किस तरह है? सो इसका कंपटीशन वैसे देखा जाए तो सब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है, और वैसे देखा जाए तो अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इफ़ वी स्पीक आवर डिज़ाइन, मतलब कि ये टाइप का बिना फाइबर पार्ट्स का व्हीकल बहुत कम है मार्केट में। मेन फाइबर पार्ट्स नहीं होने का एडवांटेज ये कि व्हीकल गिरता है तो उसको कुछ नुकसान नहीं होता, टूटने फूटने का डर नहीं। तो कब तक उम्मीद है, कब तक ये मार्केट में देखने को मिल जाएगी? तो हमने इसके जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन है वो हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, और इसके अलावा RTO अप्रूवल्स है जो गुजरात के RTO अप्रूवल्स हमें मिल चुके हैं, मतलब कि व्हीकल में नंबर प्लेट आता है। तो हमने अभी गुजरात में हम अप्रैल या मई महीने से सेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पान एंड एक्सपर्शन उसके 6 महीने के बाद। मैंने अभी अंदर वर्शन देखे इसके, इसमें कलर ऑप्शन भी दिए गए, तो कलर इसमें अवेलेबल होंगे? तो कलर्स इसमें ऑलमोस्ट 40 से 50 कलर्स अवेलेबल है। अच्छा, ग्राफिटी ऑप्शंस भी अवेलेबल है, यूजर के हिसाब से कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, मतलब कि यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं ये प्रिंट आपको मिल रहा है इलेक्ट्रीफाइंग प्रिंट है। तो इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग ग्राफिटीज भी है, कलर्स के अलावा ग्राफिटी ऑप्शन भी है। अच्छा, तो जिस तरीके से अभी रफली सी लग रही है तो इसको भी ये प्रोटोटाइप मॉडल है या एज इट इज ऐसे ही आएगा? इसको कवर नहीं करा जाएगा, इसका मेन एडवांटेज ही है। इसको अगर कवर करके तो फाइबर पार्ट से कवर करते हैं, फाइबर पार्ट थोड़े टाइम में पुराने हो जाते हैं और गिरने से वो टूट जाते हैं। अच्छा, हमारा मेन पर्पज ये इंस्पायर्ड बाय राइनो, राइनो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है तो ये पूरा स्ट्रॉन्ग और रिलायबल व्हीकल बनाता है। विशाल जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो इसके टायर में थोड़े डट टाइप के डब्ल्यू टाइप के दिए गए हैं, तो ये ऑफ रोडिंग की पर्पज से बनाई गई या जैसे टायर है, क्या सोच कर मतलब किस मकसद से इसका टायर इतना हैवी दिया गया है? सो हमारा मेन पर्पज़ है सेफ्टी, जैसे कि मैंने बताया कि बैटरी जो है वो फायर नहीं करेगा प्लस वाटर प्रूफ है, वैसे सेफ्टी व्हीकल की भी होती है। वाइडर टायर से एक सेफ्टी ये मिलती है कि आप जब भी रेनी सीजन है या रास्ते में कीचड़ है वहाँ पे गिरने का डर नहीं लगता। आगे पीछे हमने डिस्क ब्रेक दे दिया, उससे भी ज़्यादा सेफ्टी मिलती है कि कम ब्रेक ब्रेकिंग एफर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेक लग जाता है, इन टायर की ग्रिप अच्छी, रोड ग्रिप अच्छी बनी रहे, जो व्हीकल है रोड को छोड़ता नहीं, आप जब भी टर्न लेते हो, बहुत सारे लोग टर्न में भी गिरते हैं, तो मतलब कोई भी कंडीशन में गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट अप्रूवल आपको इस कंपनी का मिल गया है जी, तो आपने कितने टाइम पीरियड लगेगा मतलब मार्केट में देखने को? जी, हमने कंपनी स्टार्ट किया था 2019 में, 2019 से अभी हमने जस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 3 साल में अभी प्रोडक्ट बना दिया। हमें जो सेफ्टी सर्टिफिकेशन थे वो मिल चुके हैं, गुजरात में ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दिए, गुजरात में अप्रैल से कस्टमर्स को देने वाले। तो जैसे अगर इसका इस गाड़ी आज तो जैसे ई मोबिलिटी शो है, अगर हमारे इंडियन व्यूवर्स को या इंडियन कस्टमर को ये गाड़ी देखनी हो तो हमें विजिट पर जाना पड़ेगा, आपकी साइट पर जाना पड़ेगा, तो जैसे कहाँ देखना पड़ेगा?
जैसे यूजर्स हमारा इंस्टाग्राम पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूजर्स हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इट इज rhino.in, RHYNO। मैंने जैसे बताया एनिमल से इंस्पायर्ड है राइनो एनिमल, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा अलग है, RHYNO। अच्छा, तो यूजर्स जो है इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं rhino.in, वहाँ पे हम अपडेट्स देते रहेंगे कि कौन से स्टेट में हम अभी लॉन्च कर रहे हैं। डीलरशिप्स रहते हैं गुजरात में ऑलरेडी, डीलरशिप के साथ हमारा टाइप है, वैसे ही अलग अलग डीलरशिप्स के साथ हमारा ऑलरेडी बात चल रहा है। तो उनसे क्या होगा, यूजर्स को जब भी टेस्ट ड्राइव चाहिए, व्हीकल देखना है तो डीलरशिप के थ्रू देख सकते हैं, व्हीकल परचेस भी डीलरशिप के थ्रू कर सकते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि व्हीकल में कभी प्रॉब्लम आएगा तो वो डीलरशिप उनके पास एक पॉइंट होगा कि जहाँ पे व्हीकल जाके रिपेयर करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भी कॉल करते हुए। तो विशाल जी, ऑल इंडिया पैन इंडिया आने में ऑलमोस्ट 6 महीने और लगते हैं, विद इन 6 मंथ थैंक यू विशाल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थी राइनो ईवी, जो आपको 6 महीने के अंदर आपको देखने को मार्केट में दिख सकती है, गुजरात बेस्ड कंपनी है और विशाल धमेचा जी इसके डायरेक्टर, जिन्होंने हमें गाड़ी के बारे में बताया। और तो एक छोटा सा इसको मैं आपको एक बैकग्राउंड दूंगा और देखता हूँ किस तरह का इसका प्रोटाइल है, किस तरह का इसका पिकअप है। ये मैंने इसका करा इग्निशन ऑन और इंडियन रोड्स पर किस तरह से ये सक्सेस होगी या नहीं होगी। तो फील तो इसका बहुत अच्छा आ रहा है, अब देखते हैं 6 महीने के बाद ये किस तरह से मार्केट में आती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।